मुंबई के बोरीवली पश्चिम एमएचबी पुलिस स्टेशन अंतर्गत स्थित भगवती हॉस्पिटल के पास बेसिन कैथोलिक को ऑपरेटिव बैंक के एटीएम में 5 मार्च को 2:50 के लगभग दो अज्ञात लुटेरों ने एटीएम मशीन के साथ स्क्रू ड्राइवर हथियार से छेड़छाड़ की और बाहर निकलकर पैसे निकालने वाले का इंतजार करने लगे। पैसे निकालने गए ग्राहक द्वारा पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं निकलने पर ग्राहक वापस चला गया, जिसके बाद लुटेरों द्वारा स्क्रू ड्राइवर द्वारा छेड़छाड़ कर पैसे निकालकर फरार हो गए। बैंक द्वारा शिकायत मिलने के बाद एमएचबी पुलिस के अधिकारी सूर्यकांत पवार ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कई टीम बनाकर सीसीटीवी और तांत्रिक विश्लेषण कर आरोपियों को कलवा थाने से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी एटीएम में छेड़छाड़ कर लूट करने में स्पेशलिस्ट है। गिरफ्तार आरोपी धीरेन्द्र पाल 22 वर्षीय और अभिषेक यादव 22 वर्षीय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन दोनों आरोपियों ने दहीसर डोंबिवली नाला सोपारा और मीरा रोड में एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसे की लूट कर फरार हो गए। इन आरोपियों के पास से लूट में इस्तेमाल कार, 3 मोबाइल, स्टील पट्टी और 10,000 नकद बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से यह जांच कर रही है कि और कहां कहां एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन के हद में एक दो एटीएम चोर को पकड़ा गया, जो एटीएम में छेड़खानी करके पैसे निकालते थे। क्या मामला डिटेल? 8 मार्च को एक एफआईआर रजिस्टर हुआ था एमएचबी पुलिस स्टेशन, जिसमें एक एटीएम में छेड़खानी करके चोरी करने का प्रयास किया गया था। सीसीटीवी फुटेज वगैरह हमने उसका प्राप्त किया था। इन्वेस्टिगेशन में जो क्लू मिले उस पर से हमने दो आरोपियों को थाने जिला से काबे में लेके अरेस्ट किया है। अरेस्ट हुए आरोपी धीरेन्द्र कुमार यादव और अभिषेक यादव, दोनों प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जिला प्रतापगढ़ यूपी के। उनको अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में और भी काफ़ी जगह इस तरह का उन्होंने प्रयत्न किया या फिर कहीं सक्सेस भी हुए ऐसा करना निष्पन्न हुआ है। कम से कम 5 एफआईआर में उनका रोल अभी तक निष्पन्न हुआ है, जो कि मुंबई और थाने में अलग अलग जगह पर है। उन सब पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है और आगे की कार्रवाई पूरी पुलिस कर रही है। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या क्या है? स्पेशल एटीएम में ही चोरी किया करते हैं या कुछ और वारदातें के ऊपर करते हैं? वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। मुंबई में क्रिमिनल केसेज वगैरह नहीं है, पर बाकी यूपी वगैरह में है या नहीं है वो पूरा चेक करके, क्योंकि बट अभी कम से कम 5 जगह इनका निष्पन्न हो रहा है, तो सब जगह हम इनको ट्रांसफर करके लेंगे। इनके ऊपर इनके पास क्या क्या रिकवरी हुई है? आरोपियों को अभी हमने ताबे में लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ अटेम्प्ट ही था, पर बाकी जगह कितना चोरी किया है, क्या क्या है, वो पूरा रिकवरी का प्रोसेस अभी पुलिस कस्टडी लेके पुलिस करने वाली है।